गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक और फन एक्टिविटी करेंगे, दैट इज़ बैलेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट टाइम हमने कौन सी एक्टिविटी की थी? लास्ट टाइम हमने पैटर्न एक्टिविटी की थी, और कुछ बच्चों ने उसमें पैटर्न्स जो हैं वो ब्लॉक्स के थ्रू बनाए थे, कुछ ने क्ले यूज़ की थी। तो बहुत अच्छी वीडियोज़ भेजी हैं आप लोगों ने, और बहुत मैंने देखा है आप लोग फ़न भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो इसी तरह से आज हम एक और एक्टिविटी करेंगे, और इसमें भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे एक साइड आप और एक साइड आपके पेरेंट्स, आप पहले आप करोगे फिर आपके पेरेंट्स। इस तरह से इसमें आप एक्टिविटी में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनके साथ प्ले कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में मैंने शीट्स ली हैं, आपके पास पिलो है, कुशन है, या छोटा कार्डबोर्ड है स्मॉल, तो आप वो ले सकते हैं। बॉल जो है इजीली अवेलेबल होती है, हर घर में बॉल होगी, तो आपने एक बॉल लेनी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। नवदीप कम। तो इस तरह से आपने कुशन या पेपर्स जो भी आपके पास होंगे वो लेने हैं, और इसमें मिडल में बॉल रखनी है, और इसको बैलेंस करते हुए आपने स्टेप स्लोली मूव करना है। देखो बच्चा कितने फोकस कर रहा है बॉल के ऊपर कि बॉल ना गिरे। तो इससे हमारी ब्रेन डेवलपमेंट होती है, हमारा फोकस, आईज और हैंड कोऑर्डिनेशन दोनों हो रहे हैं इसमें। इस तरह से आप इसको एक्टिविटी को अपने बच्चों को करवा सकते हैं। इसमें बच्चे बहुत फन करेंगे। तो इस एक्टिविटी को आप खुद भी कर सकते हैं एज अ कम्पिट, पहले आप टर्न लीजिए फिर बच्चा टर्न लेगा, तो उससे क्या होगा उसको, हाँ वेरी गुड एंटरटेनिंग तरीके से बन जाएगा कि देखो मम्मा की इतनी बार बॉल गिरी, या मम्मा ने इतना अच्छा बैलेंस किया और मेरी इतनी बार। इस तरह से ये एक प्ले एंड फन एक्टिविटी बन जाएगी। सो दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर टुडे। थैंक यू।